नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्विसेज 2019 एग्जाम में रैंक 207 अचीव करने वाली बिहार औरंगाबाद से मिस पूजा कुमार। पूजा जी, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू, इट इज अ प्रिविलेज टू बी हियर। पूजा जी, हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकाला हमारे लिए और स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म के लिए। और आज हम चाहेंगे कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपने इस एग्जाम के लिए किस तरह से तैयारी करी। तो पहला सवाल तो यही होगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है इसके बारे में भी बताएं। फैमिली बैकग्राउंड मेरी थोड़ी गवर्नमेंट जॉब टिल्टेड रही है। जैसे मेरे फादर खुद रेलवेज में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रहे हैं, मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरे मामा भी इन रेलवेज रहे हैं और मेरे एक और मामा भी सिविल सर्विसेज के थ्रू आईएएस में रहे हैं। तो एक बैकग्राउंड तो मेरे घर में बचपन से ही था और एजुकेशन तो मैंने काफ़ी जगह पे की है बिकॉज फादर की ट्रांसफरेबल जॉब रही है, बट प्राइमरी मैंने अपना कोलकाता से एजुकेशन की थी टिल क्लास 12 एंड उसके बाद फिर मैं दिल्ली चली गई थी जहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में की थी फ्रॉम DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद ही मैंने अपने अटेम्प्ट्स, फ्रेश अटेम्प्ट 2017 में पास आउट होके ही मैंने दिया था, बट उसमें सक्सेस हासिल नहीं हुई थी। मैं इंटरव्यू राउंड तक भी गई थी बट फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू राउंड तक गई थी, सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू राउंड तक गई थी 2018 में और फाइनली 2019 अटेम्प्ट में मुझे रैंक मिली है आफ्टर अ लॉट ऑफ वेरी टफ जर्नी, आई वुड से विद अ लॉट ऑफ क्रेस्ट एंड टफ इन द जर्नी। तो आपने लगातार तीन अटेम्प्ट में तीन इंटरव्यू स्टेज तक आप पहुंचे हैं, तो इसका मतलब आपने तैयारी आई थिंक कॉलेज में स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि आप बता रहे हैं कि कॉलेज खत्म होते के साथ ही आपने अपना पहला अटेम्प्ट दे दिया था। तो प्रिपरेशन किस समय आपने स्टार्ट करी थी, किस स्टेज पर कॉलेज के? सब फोर्थ ईयर में मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन और उस वक्त मैंने अपने कॉलेज की प्लेसमेंट्स भी स्किप कर दी थी, जो उस वक्त आई थिंक थोड़ा एक रिस्की डिसीजन था। लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था UPSC इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, लाखों लोग प्रिपेयर करते इस एग्जामिनेशन के लिए, तो व्हाट मेक्स यू सो डिफरेंट, आपका कैसे होगा? तो कुछ लोगों ने थोड़ा डिस्करेज किया, कुछ लोगों ने इनकरेज किया। तो फोर्थ ईयर से मैंने अपना डेडिकेटेड प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो क्या आपके पास कोई गाइडेंस थी या फिर कोई, जैसे मेंटर्स तो ऑब्वियसली आपके फैमिली में होंगे, बट क्या आपको कोई गाइड करता था या फिर आपने अपनी प्रिपरेशन इंटरनेट के थ्रू बुक लिस्ट ढूंढकर उस तरह से स्टार्ट करी या फिर आपने कोई स्ट्रक्चर्ड कोचिंग ज्वाइन करी? सर, सबसे पहले कोचिंग तो मैंने ज्वाइन की थी, मैंने सोचा मैं दिल्ली में हूँ और ऑप्शनल के लिए पर्टिकुलरली मैंने ज्वाइन की थी क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। तो उस वक्त मुझे लगा कि एक मुझे इनिशिएशन की ज़रूरत होती है नए ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो उस वक्त मैंने सोचा टाइम भी कम है और अटेम्प्ट अगले साल देना है, तो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी। और रहा मेंटोरशिप की बात, तो फिर मैंने मतलब अपने कुछ कॉलेज के सीनियर से बात की जिन्होंने भी UPSC निकाला था इन लाइक द पास्ट 2 to 3 years, क्योंकि उनको पैटर्न का भी पता होता है। अभी 2013 ऑनवर्ड थोड़ा पैटर्न भी UPSC का चेंज हो गया, तो उनसे भी मैंने गाइडेंस ली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक कोचिंग तो ली और उसके अलावा इंटरनेट का तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया। इनफैक्ट मतलब मैं स्टडी IQ का खुद बताना चाहती हूँ कि आई थिंक इनिशियली तो मैंने नहीं यूज़ किया बट लास्ट 2 years से मैं काफ़ी रेगुलर फॉलोअर रही हूँ और मेरे घर में मेरे फादर भी खुद स्टडी IQ के वीडियोज रोज सुनते हैं और मेरा भाई भी रोज सुनते हैं। तो आई थिंक स्टडी IQ तो हैज बीन द पार्ट ऑफ माय जर्नी फॉर द लास्ट 1 to 2 years। ओके ओके, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। मुझे कल कई स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि एस्पिरेंट जैसे बोलते हैं कि स्टडी IQ देखते थे, टॉपर्स बोलते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी कल से पहले पूजा जी से कोई कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। आई डू नॉट नो दैट कौन से टॉपर स्टडी IQ देख रहे हैं। जब हम इनसे बात करते हैं तभी हमें मालूम चलता है, तो वी डोंट हैव अ वे टू फाइंड आउट हु इज वॉचिंग और नॉट। और जो भी आप बता रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू में वो आप सबके सामने है, एस्पिरेंट्स के सामने है, तो बहुत खुशी होती है हमें जब आप लोग कहते हैं कि स्टडी IQ आपने देखा और आपकी सफलता में थोड़ा सा योगदान शायद हमारा भी रहे, तो ये एक टीचर के लिए सबसे खुशी की बात होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको सफलता मिली, स्टडी IQ का थोड़ा सा इसमें रोल रहा जितना भी रहा। तो एंड अगेन आपके पापा भी देखते हैं, दैट ऑल्सो मेक्स अस वेरी हैप्पी। तो पूजा जी, फिर आपने जब तैयारी करी और आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए, फिर आप अगेन प्रीलिम्स के लिए बैठते हैं, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि स्क्रैच से शुरुआत करनी है, डिफिकल्ट रहेगा? आई मीन यू हैव रीच्ड टिल ऑलमोस्ट टिल द पॉइंट वेयर यू वर सक्सेसफुल एंड देन स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग,
उस एक्सपीरियंस को आप बताइए, किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया फिर से एग्जाम देने के लिए सेकंड अटेम्प्ट में? सर डिमोटिवेटिंग तो रहा था, मतलब मैं अगर बताऊं तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट शैटरिंग रहा तो दूसरा अटेम्प्ट में फेलियर और शैटरिंग रहा। बट फिर कभी कभार अपने मन को भी मनाना पड़ता है कि मैं क्या करती थी, कुछ टॉपर्स के वीडियोस देखती थी और मैं देखती थी कि नहीं, कभी कभार अगर आप देखिए सक्सेस परसेंटेज सिर्फ 7% है फर्स्ट अटेम्प्ट में। नॉट टू डिस्करेज फर्स्ट अटेम्प्ट पीपल, बट रियलिटी इस जर्नी की है कि शायद मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। और फिर मतलब मेरे फैमिली वालों ने भी ये समझाया कि तुम दो अटेम्प्ट से इंटरव्यू में जा रही हो तो कुछ बात होगी दैट तुम सही कर रही हो, बस थोड़ी बहुत अपनी कमजोरियों में काम करने की जरूरत है। और उसके अलावा मतलब मेरे दिमाग में था कि मतलब यूपीएससी ने जब 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे कि कोई भी कुछ गलती हो तो उन्हें एक सुधारने का भी मौका दिया जाए। तो मैंने फिर अपनी गलतियों पे काम किया और फिर मतलब उसमें ही प्रयास किया। और उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था जो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, तो उनसे भी मुझे लगता था कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि नहीं चलो इस बार इतने मार्क्स से रह गया तो हम लोग अगली बार इम्प्रूव कर लेंगे, या तो किसी के पेपर्स में ज्यादा नंबर आ गए GS 4 में तो मैं उनसे गाइडेंस ले लेती थी। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स ने मुझे एक कंसिस्टेंसी दे दिया प्रेपरेशन के लिए। तो आपने टॉपर्स के प्रीवियस टॉपर्स के इंटरव्यू से इंस्पिरेशन लिया और अब मुझे पूरा यकीन है कि अगले साल एस्पिरेंट्स आपका इंटरव्यू देखेंगे और उससे इंस्पिरेशन लेंगे। अगर कोई इंटरव्यू में फेल हुआ है तो आपका इंटरव्यू या आपका एग्जांपल देखकर उन्हें बिल्कुल हौसला मिलेगा और वो भी पूरे मन से फिर से तैयारी में जुट जाएंगे। तो आपने सेकेंड अटेम्प्ट में अगेन इंटरव्यू तक आपने सफर किया और अब थर्ड इंटरव्यू में अब आपको सफलता मिली है। तो मैं आपसे एक ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। हाउ हैज बिन योर एक्सपीरियंस इन दीज 3 इंटरव्यूज? आप यूपीएससी के इंटरव्यू प्रोसीजर को कैसा कहेंगी? मतलब मैं इसमें कोई आपसे पॉलिटिकल कमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक निष्पक्षता पे कई लोग जो सिलेक्ट नहीं होते वो सवाल उठाते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड्स आर बायस्ड या निष्पक्ष नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपने सफलता और असफलता दोनों देखी है इंटरव्यू बोर्ड्स में जाकर? इंटरव्यू बोर्ड्स तो बिल्कुल ही अनबायस्ड है। मुझे लगता है सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू बोर्ड ये नहीं देखते कि आपका कितने साल का गैप भी रहा है। जैसे इस बार इंटरव्यू बोर्ड में मुझे जो पैनलिस्ट मिली थी सुजाता मेहता मैम, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये 3 साल से क्या कर रहे हो, तो मैंने कुछ खास तो किया नहीं था। प्रेपरेशन के अलावा मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया था, तो मैंने कॉन्फिडेंटली यही बताया मैम कि मैं फुल्ली कमिटेड थी प्रेपरेशन के लिए, तो मुझे पता था मैंने ऑनेस्ट एफर्ट्स दिए हैं। और दूसरी बात कि जो बोर्ड्स होते हैं, आई थिंक जो लोग इंटरव्यू नहीं देते उनको काफ़ी नर्वसनेस होती है कि पता नहीं बोर्ड कैसे होंगे, बट आई थिंक बोर्ड्स काफ़ी यूपीएससी के कॉर्डियल होते हैं। वो बिल्कुल ही आपको कंफर्टेबल रखेंगे पूरे इंटरव्यू के दौरान और उसके बाद ही आपका इंटरव्यू लेंगे। मतलब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर करेंगे बट इट इज नॉट लाइक कि वो आपको दे विल ट्राई टू शो कि आपको कुछ नहीं आता। वो मतलब आपको जैसे अगर मुझे एक दो सवालों के बारे में नहीं पता था तो उन्होंने उस सब्जेक्ट में फिर डेप्थ में ज्यादा नहीं पूछा, फिर वो उन्होंने दूसरे एरिया में पूछा और वो काफी वेरिड फील्ड्स में पूछते हैं। अगर आप यूपीएससी क्वेश्चंस देखिएगा इंटरव्यू में तो वो काफी ओपिनियन बेस्ड होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं इन सही मायने, बिकॉज नॉलेज टेस्ट आपकी हो गई है प्रीलिम्स मेंस तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो। तो दैट इज ओवरऑल विच फ्रॉम माय ओपिनियन जो यूपीएससी इंटरव्यू टेस्ट करता है। ओके ओके, मेरा अगला सवाल सोर्सेज से रिलेटेड है। आपने मेजरली किन सोर्सेज पर भरोसा किया? जो एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट होती है जो अमूमन हर टॉपर या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर्स सजेस्ट करते हैं, क्या आपने उन्हीं को फॉलो किया या फिर आपने कोई बहुत एक्सेप्शनल किताबें पढ़ी या इंडिया आफ्टर गांधी को 2 बार पढ़ लिया? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी किताबों या बुक लिस्ट के मामले में? सर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़े थे, जो आई थिंक लिस्ट डाउन तो करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट वही पढ़ा था। और रहा मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था एज एन एस्पिरेंट तो मुझे काफ़ी डाउट्स होते थे कि नहीं लोग इतनी किताबें खरीदते ये सब खरीदते, तो शुरू शुरू जब मैंने पहले 6 महीने प्रेपरेशन की जर्नी में मुझे मार्केट में जो भी किताब मिलती थी यूपीएससी रिलेटेड मैं सब उठा के लेकर आ जाती थी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केट में कंटेंट का फ्लड है completely, you have a lot of content, but UPSC में क्या काम देता है, I think 2 important things, एक तो आपकी foundation बहुत ही ज़्यादा strong होनी चाहिए, prelims में conceptual questions UPSC में पूछे जाते हैं, बाकी exams में शायद banking के examination में state services में शायद बहुत ज़्यादा factual आ सकते हैं, but UPSC में इसलिए आपको जब भी start करनी चाहिए preparation journey, आपको अपना foundation particularly in subjects जैसे आपकी geography हो गई, economics हो गई, polity हो गई, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आपके की रोल प्ले करते हैं, इसमें क्लैरिटी तो होनी चाहिए। और
तो यही मेजर चीज होती है. और सेकेंडली कि आपको रिप्रोड्यूस करना चाहिए एग्जामिनेशन में जो भी आपने पढ़ाई की है. जैसे मेंस एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर आपने पढ़ बहुत लिया है, बट 200 वर्ड्स में आप समराइज कैसे करेंगे? तो यही है कि आपको जो कंटेंट है वो कॉन्क्रीट होनी चाहिए. तो फाउंडेशन प्लस कॉन्क्रीट कंटेंट जो आपको आता है उस पर फोकस था मेरा. पूजा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ओवरऑल जर्नी. आपने 3 साल इस एग्जाम की तैयारी में और पूरे प्रोसेस में बिताए, आपका यहाँ पर की टेक अवे क्या रहेगा कि लंबा प्रोसेस है, किस तरह से अपना मेंटल हेल्थ एस्पिरेंट्स बनाए रखें, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी जो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए? सर, की टेक अवे ये रहेगा कि ऑल्दो मैंने अपने सोशल इंटरेक्शंस काफी मिनिमल रख दिए थे, बट फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी बैलेंस बना के चलना. जैसे अपने हेल्थ को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ख्याल रखना. ऐसा मतलब मैंने इस बार थर्ड अटेम्प्ट में इन पर्टिकुलर ये सोचा था कि मैंने पढ़ा तो लिया पूरे दिन, मैं शाम को जरूर आधे से हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स वॉक करने जाती थी. हेल्थ लोग जल्दी अवॉइड कर लेते हैं, वो फिर जंक भी खाते हैं. जैसे लोग अगर रात रात भर पढ़ रहे तो जंक फूड खा लिया, कुछ खा लिया. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी इज एन एग्जाम. आप इस एग्जाम के लिए अपनी लाइफ और अपना हेल्थ नहीं बर्बाद कर सकते हो. इट इज इम्पॉर्टेंट बट ये नहीं. और दूसरी बात है एक माइंडसेट का. मुझे भी एग्जाम में काफी लो पॉइंट्स आए, पेरेंट्स से भी मैं काफी शेयर करती थी. तो अगर आपको कोई इमोशनल डिस्ट्रेस है एग्जामिनेशन में तो आप अपने तक वो इमोशनल डिस्ट्रेस मत सीमित रखिए. आपके जो जान पहचान वाले जो आपकी सच में केयर करते हैं उनसे शेयर कर लीजिए. क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इंटरनल मोटिवेशन भी इस एग्जाम में खत्म होने लगता है. आप हर साल सीट्स देखते हैं, कभी ये लगता है कि सीट्स कम है, कभी ये लगता है शायद अगले साल सीट्स कम हो जाएगी, चाहे कंपटीशन बढ़ रहा है. तो ये इंटरनल मोटिवेशन कम होता है. तो आप कभी कभार एक्सटर्नल मोटिवेशन पेरेंट्स से ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स से ले लीजिए, ब्रदर सिस्टर्स से ले लीजिए. और इसके अलावा कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज भी देख लीजिए. जैसे मैंने MS धोनी मूवी देखी थी आई थिंक लास्ट ईयर. तो शायद किसी एक में MS धोनी का सिलेक्शन नहीं होता है, मुझे ठीक से नहीं पता, बट उन्होंने पॉजिटिवली लिया. उन्होंने बोला कि नहीं, लगता है और मेहनत करने की जरूरत है. एंड नाउ ही बिकेम लाइक द टॉप क्रिकेट कैप्टन ऑफ द कंट्री. तो आप इंटरनल मोटिवेशन तो ढूंढिए, बट एक्सटर्नल मोटिवेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज यूपीएससी जर्नी इज नो डाउट लॉन्ग. एक अटेम्प्ट में होगा या 6 अटेम्प्ट में होगा, या आपका अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो आई एम श्योर कि आपका ओवरलैप में कोई और एग्जाम लाइक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, RBI या स्टेट सर्विसेज निकलेगा, विच आर ऑल्सो इक्वली गुड. हम सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम का नाम सुनते हैं बट बाकी सारे सर्विसेज की डोमेन भी काफी वाइड और अच्छे है. Okay. पूजा जी, आपका टारगेट सिर्फ यूपीएससी था या फिर आपने कोई और एग्जाम भी दिया? सर, मेन टारगेट मेरा सिविल सर्विसेज क्लियर करने का था, बट इस दौरान मुझे ये लगा कि एक अच्छा बैकअप भी होना बहुत जरूरी होता है. और इसके अलावा जब मैंने शुरू में जब कॉलेज में थी तो मुझे सिर्फ यूपीएससी एग्जाम के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में ही थोड़ी नॉलेज थी. बट लेटर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, और भी अच्छे ऑप्शंस है गवर्नमेंट में एक्सप्लोर करने के लिए. और जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, उसका प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ, बट मैंने फॉर सम रीजन मैंने मेंस नहीं दिया. उस वक्त मुझे लगा कि मेरा मेंस अच्छा गया सेकंड अटेम्प्ट में तो शायद यूपीएससी क्लियर हो जाएगा. तो मतलब मैं तो कैंडिडेट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट और जॉब देने का मौका मिल रहा है जिसमें थोड़ा ओवरलैप है यूपीएससी का, तो आप दे सकते हैं. और उसके अलावा मैं अपने फेलियर्स भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं टॉपर्स को देखकर कि ये इनका तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्लियर हो जाएंगे. बट अभी का ये जमाना है कि अगर आपने SSC बैंक PO की प्रिपरेशन नहीं की है और आप अच्छे कॉलेज से भी बिलोंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बस जाके एग्जाम में दोगे और आपका हो जाएगा. तो जैसे मैंने पिछले बार RBI प्रीलिम्स दिया था, उसकी उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, बट उसमें मेरा नहीं हुआ था तो उसमें मैं फेल हो गई थी. और इसके अलावा मैंने एक बार UPPCS प्रीलिम्स दिया था, उसमें मैंने प्रिपरेशन नहीं की, उसमें फेल हो गई थी. तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने UPPCS दिया तो मैंने प्रिपरेशन के साथ प्रीलिम्स दिया, तो उसमें UPPCS प्रीलिम्स मेरी आराम से क्लियर हो गई. तो मैं यही एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप यूपीएससी देते वक्त ये भी देखिए कि बाकी कौन से एग्जामिनेशंस के साथ ओवरलैप है. जैसे आपका RBI हो गया, आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, आपका CAPF एग्जामिनेशन हो गया, NABARD एग्जामिनेशन हो गया. तो यूपीएससी तो मेन फोकस होना चाहिए, बट इसके अलावा बाकी ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर करते रहिए. तो यही मेरा कहने का मन मतलब कहना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. UPPCS और RBI के एग्जाम्स दिए थे अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम? यस, CAPF भी मैंने दिया था, उसका मेरा लास्ट टाइम मेंस क्लियर हो गया था. इंटरव्यू कॉल भी है मेरा, बट अभी तो यूपीएससी हो गया है एंड आई विल गेट अ सर्विस ऑफ माय चॉइस मोस्ट लाइकली, तो आई माइट नॉट अपीयर फॉर द इंटरव्यू.
तो वो हो गया था. बट हाँ, फेलियर्स भी हुए थे. आरबीआई जब मैंने दिया था, और उसके अलावा यूपीपीसीएस प्रेलिम्स जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो फेल हुई थी, सेकंड टाइम नहीं भी थी. तो मतलब फेलियर्स भी आती है जर्नी में. यूपीपीसीएस यूपीएससी नहीं हुआ 2 बार में, और बाकी एग्जाम्स भी नहीं हुए. तो बस अगर फेल हुए तो मतलब, या यूपीएससी में या कोई और एग्जाम में, तो ये नहीं सोचना कि अब मेरा नहीं हो सकता. और एक और बात है, जब मेरा आरबीआई में नहीं हुआ था, फेल हो गई थी, और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जब नहीं हुआ था, तब मुझे ये भी लगा था एक वक्त के लिए कि एक वक्त के लिए कि ऐसे एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए आरबीआई यूपीपीएससी, ऑल्दो दे आर गुड, बट ये एग्जाम्स नहीं क्लियर होते, मैं यूपीएससी में फाइनल रैंक कैसे मुझे मिलेगी. और इसके अलावा मैं एक डीएमआरसी का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरा नहीं हुआ था. देन अगेन उसमें मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी. तो जो इस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, उसमें चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होता है. बिल्कुल बिल्कुल. और आप, मेरे ख्याल से आप डीटीयू से पढ़ी हैं, तो आपकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी रैंक अच्छी रही होगी, तो एक वहां से भी आपको रहता है कॉन्फिडेंस कि हम बचपन से टॉपर रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम के अंदर हमारा नहीं हो रहा है. तो ये मत सोचिए, इस तरह की नेगेटिविटी मत रखिए, आपको कोशिश करते रहना है और सिलेक्शन होगा इफ यू आर परसिस्टेंट विथ योर एफर्ट्स. तो पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, और आपने जो बातें कही है आई एम श्योर वो एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करेंगी आने वाले कुछ सालों में. वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर, और थैंक्स. हमें पूरी उम्मीद है कि आप देश का और बिहार का और अपने परिवार का सभी का नाम रोशन करेंगी. वी होप टू सी यू सून अगेन ऑन स्टडी आईक्यू समटाइम, मे बी आफ्टर योर ट्रेनिंग गेट्स ओवर. तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट.